दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल बी डूइंग गुड। सब बढ़िया काम कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक और नई पोएम करेंगे इंडियन राइटिंग्स में से। ये है टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, रिटन बाय हेनरी लुइस डेरोजियो, हेनरी एल डेरोजियो। इन्होंने लिखी है पोएम, बड़ी ही प्यारी पोएम, बड़ी ही अच्छी पोएम है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, ऑथर है हेनरी लुइस डेरोजियो। पूरा नाम देखे तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो है इनका। ठीक है, शॉर्ट में हेनरी एल डेरोजियो बोल सकते हैं। तो ये जन्मे थे 1809 में और डेथ हो गई थी 1831 में। बहुत कम, केवल 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, केवल 22 साल जिए। ठीक है, इनके फादर तो पुर्तगाली थे, पोर्टुग्यूज है ना, और मदर थी इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड की, ब्रिटिश। यानी माँ बाप तो पोर्टुग्यूज एंड मदर वॉज इंग्लिश, परंतु इनका दिल था हिंदुस्तानी। यही तो बात है कि इसी वजह से तो ये इनकी पोएम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमारे सिलेबस में, कि दिल तो है हिंदुस्तानी। तो देखो, एट द एज ऑफ 17, 17 की उम्र में इनको टीचर अपॉइंट किया गया हिंदू कॉलेज में। देखो कितनी बड़ी बात है, 17 साल की उम्र में। आजकल बच्चे 12th में पास आउट होकर कॉलेज में आते हैं हमारे यहाँ। ये 17 साल की उम्र में हिंदू कॉलेज बनी थी वहां पर, कोलकाता में। किसमें? कोलकाता में हिंदू कॉलेज थी उस जमाने में, उस वक्त कैलकाटा बोलते थे इसको। ठीक है, तो कोलकाता के हिंदू कॉलेज में ये केवल 17 साल की उम्र में टीचर के रूप में अपॉइंट हो गए। ठीक है, और वहां इनकी जो टीचिंग थी ना, वो इस तरह की थी जिन्होंने मतलब लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम, इसकी एक तरह से ललक जगा दी। यानी इसकी टीचिंग्स ने, इनकी टीचिंग्स ने ये भावना बढ़ा दी लिबर्टी की, है ना, स्वतंत्रता की, इक्वेलिटी, बेसिकली बराबर सबको समझे, फ्रीडम, आजादी, इन सब की मतलब एक तरह से लोगों में भावना जगा दी इन्होंने, बच्चों में भावना जगा दी, सोसाइटी में भी। तो इनकी जो एक्टिविटीज थी ना, एक तरीके से उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू कर दिया, यानी एक बौद्धिक मूवमेंट, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू कर दिया बंगाल के अंदर, जिसको कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। पूरे बंगाल में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया एक तरीके से, कि इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति भी कोई है, और उसकी जो टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, खासतौर पे जवान बच्चों को, लोगों को। तो इसलिए यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस वक्त। ये बड़े ही जल्दी, जैसे मतलब 22 साल की उम्र में मर गए, कॉलरा से ये खत्म हो गए, इनकी डेथ हो गई। कॉलरा मतलब बुखार एक तरह से, उस वक्त लोग वो भी ये हैजा कॉलरा ये बीमारी हो जाती थी, बस्ते नहीं थे लोग, खत्म हो जाते थे। तो ये 22 साल की उम्र में खत्म हो गए। इनको बोल सकते हैं पहला नेशनल पोएट, मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनल पोएट। इवन देखा जाए तो पहले ये पोएट भी कह सकते हैं इंडिया में, कि मतलब जो इंडियन पोएट इंग्लिश में लिखता हो, ऐसे ये फर्स्ट भी थे, फर्स्ट इंडियन पोएट थे जो इंग्लिश में लिखते थे, और साथ में पहले ऐसे नेशनल पोएट भी कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया का, जिन्होंने एक तरह राष्ट्र कवि, अपने राष्ट्र के बारे में लिखा। खासतौर पर इनकी जो पोएम्स हैं, टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड द फकीर ऑफ जंगीरा, ये जो पोएम है, इनके आधार पे इनको एक तरह से फर्स्ट नेशनल पोएट का दर्जा मिलता है। ठीक है, इनकी जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1907 में। आप देखोगे भाई, इनकी डेथ तो 1831 में हो गई थी, 1907 में पहली बार पब्लिश हुई थी। उस वक्त एक एडिशन एडिट, मतलब बीबी शाह के द्वारा एक ये कलेक्शन निकाला गया था, उसमें इंक्लूड की गई थी पहली बार ये पोएम। तो ये 1907, 1907 में पहली बार ये बाहर आई, लोगों को मतलब पढ़ने को मिली एक तरीके से। और वो कौन, किसमें मिली थी? द पोएटिकल स्केच वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के नाम से एक कलेक्शन बाहर आया था। ये जो कलेक्शन का नाम है, द पोएटिकल वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो कि बीबी शाह के द्वारा निकाला गया था 1907 में। तो ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, किसका? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का। ठीक है, तो हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि मतलब एक तरह से। हाँ, एक चीज देखो, इनका लाइफ स्पेन देखोगे 1809 से 1831 था, ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन में रोमांटिक एज चल रहा था। रोमांटिक एज बहुत ही फेमस एज है लिटरेचर में, रोमांटिक एज चल रहा था उस वक्त ब्रिटेन में। और जो बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, जॉन कीट्स है ना, जॉन कीट्स हो गए, पी बी सैली हो गए, ठीक है, और लॉर्ड बायरन हो गए, ये बहुत ही फेमस रोमांटिक राइटर्स रहे हैं। इनकी पोएम्स आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, है ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो आओगे। तो भैया ये इनको उस वक्त पढ़ते थे, मतलब ये समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे इनके, और इनकी जो पोइट्री निकला करती थी ये पढ़ा करते थे उनको। इनकी पोइट्री का एक असर है कुछ हद तक कि ये लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रीडम, ये सब इनकी भावना इनके अंदर आई।
ठीक है। और साथ में एक चीज और था, इनकी स्कूलिंग भी बहुत बढ़िया स्कूल में हुई थी उस वक्त, उस जमाने की एक स्कूल थी, एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं पता है, परंतु उस स्कूल में इनको मतलब इस तरह की सोच डेवलप करने का मौका मिला। उस स्कूल का वातावरण बहुत बढ़िया था उस जमाने में भी। तो देखो ये इनका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम पोएम पे आते हैं। तो पोएम है अपनी टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। पीपल्स बच्चे को बोलते हैं, ध्यान रखना है, पीपल अलग होता है, एक होता है पीपल, POPLE, पीपल मतलब लोग, ये पीपल, तो पीपल स्टूडेंट्स। टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज के बच्चों को संबोधित करते हुए ये पोएम है, ठीक है, उनको एड्रेस करते हुए पोएम है। ये देखा जाए तो 14 लाइन की पोएम है, तो हम इसे सोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स यंग फ्लावर्स, देखो पहली लाइन में ही सिंबली इस्तेमाल हो गई, एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स यंग फ्लावर्स, है ना, बच्चों को एक, और साथ में इस्तेमाल हो गया है मेटाफर भी, यंग फ्लावर्स, बच्चों को बोल रहे हैं जवान फूल, तो ये एक मेटाफर हो गया कि बच्चों को फूलों से कंपेयर किया जा रहा है, परंतु इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कंपैरिजन क्या हो रहा है कि बच्चों को लाइक द पेटल यंग फ्लावर्स। देखो दो चीजें इसमें, यहां सिंबली भी है और मेटाफर भी है। अगर सिर्फ हम यंग फ्लावर को देखते हैं तो यंग फ्लावर बच्चों को खा गया है, तो ये मेटाफर है। और अगर पूरी लाइन देखते हैं कौन सा, कि पेटल्स होते हैं पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां, ठीक है, जब फूल सुखड़ा हुआ होता है, खिलता नहीं है, तो वो एक डोडी, एक बर्ड के रूप में होता है ना, बर्ड बोलते हैं, डोडी के रूप में बोलते हैं हिंदी में, तो वो जब खिल जाता है तो फूल बन जाता है, ठीक है, उसके पेटल्स खिल जाते हैं, फिर पंखुड़ियां खिल जाती हैं उसकी। तो बच्चों से बोला जा रहा है, मतलब बच्चों को बोला जा रहा है कि तुम खिलने लग गए हो, कैसे, जैसे एक जवान फूल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं। एक्सपेंडिंग लाइक, बच्चों को तुलना की जा रही है बच्चों की जवान फूलों की पंखुड़ियों से। तो ये तो सिमिली हो गया कि बच्चों की लाइक, ये तो सिमिली हो गया कि बच्चों की तुलना किससे हो रही है, यंग फ्लावर्स के पेटल्स से, ठीक है। और दूसरी तरफ यंग फ्लावर्स में मेटाफर हो गया कि बच्चों को बोला गया जवान फूल, ये मेटाफर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई वो बोला जा, वो बोल रहा है एक तरह से कि बच्चों तुम अभी, तुम्हारा क्या है बेसिकली, तुम खिलने लग गए हो, यंग फूल मतलब जो जवान फूल होते हैं, ताजा ताजा खिले हुए फूल होते हैं जो खिल जाते हैं, मतलब उनकी पंखुड़ियों के समान तुम खिलने लगे हो, एक्सपेंड हो रहे हो। आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड, मुझे नजर आ रहा है तुम्हारे दिमाग अब ओपन होने लग गया है, ओपनिंग ऑफ योर माइंड, तुम्हारा माइंड अब धीरे धीरे ओपन होने लगा है, यानी वो चीजों को समझने लगा है, वो संसार की चीजों में एक तरीके से उसका माइंड चलने लगा है, उसको चीजें समझ में आने लगी, दुनियादारी कैसी होती है। तो आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड, मुझे तुम्हारा दिमाग ओपन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स, साथ में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि स्वीट लूजनिंग, कि भाई वो ढीला पड़ रहा है, क्या ढीला पड़ रहा है, स्पेल दैट बाइंड्स, वो असर, स्पेल होता है कि किसी जादू टोना का जो असर हो ना, उस तरह का, कि तुम्हारे माइंड्स के ऊपर जो असर पड़ा हुआ था ना, एक किसी चीज का इफेक्ट था, एक जैसे जादू टोना का असर होता ना, वैसे तरह का वो जो असर है ना, वो स्पेल है ना, वो अब ढीला पड़ रहा है, यानी कमजोर पड़ रहा है। स्वीट लूजनिंग, स्वीट लूजनिंग का इसलिए बोला है क्योंकि ये अच्छा संकेत है, इसलिए उसको स्वीट लूजनिंग बोल रहा है ना, कि मुझे अब तुम्हारे दिमाग पर जो असर है, वो असर क्या है अभी पता चलेगा, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो, है ना, जो तुम्हारे माइंड पर जिस चीज का असर हो रहा था ना, वो असर अब धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा है, मतलब कमजोर पड़ने लगा है। योअर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ। अब देखो, अब एक्चुअल में मैं बताता हूं, क्योंकि ये पूरी पोएम में इनडायरेक्टली बोलेगा तो समझ में तो वैसे भी नहीं आएगा, तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, है ना। असर है अज्ञानता का, ठीक है, इग्नोरेंस का, ठीक है, वो असर है अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का, ठीक है। सोसाइटी में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, अज्ञानता बहुत ज्यादा है ना, इन चीजों की वजह से क्या है, इंसान अपने माइंड का ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी धारणाओं से भरा हुआ है उसका दिमाग, कि उसको कुछ सोचने समझने का मतलब बोल सके मौका ही नहीं मिलता एक तरीके से। तो उसी इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, अज्ञानता, वो उनका असर अब दिमाग पे ढीला पड़ने लगा है, ऐसा राइटर बोल रहे हैं, कि तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल एनर्जीज है, तुम्हारी जो बौद्धिक एनर्जीज है, ऊर्जा है और शक्तियां हैं, पावर, यानी तुम्हारे दिमाग की जो एनर्जीज और पावर्स है ना,
वो अब कैसी है, स्ट्रेच करने लगी, अब खींचने लगी है। स्ट्रेच किस तरीके से, जिस तरीके से यंग बर्ड्स, जवान जो पक्षी होते हैं, वो समर गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह अपने पंखों को तनाते हैं, टाइट करते हैं, मतलब वो अपने अंगड़ाइयां लेते हुए, मतलब अपनी जो उनकी जो आलसीपन है ना, उनके जो पंखों में थोड़ा सा आलस भरा हुआ है, उस आलस को तोड़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग सुबह उठ के अपने शरीर को मरोड़ते नहीं क्या, कभी ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे, मतलब सुबह सुबह उठेंगे तो क्या होता है, हम अपने अंगड़ाई को निकाल रहे होते हैं, हमारे आलस को निकाल रहे होते हैं। तो उसी बोल रहा है कि तुम्हारे दिमाग की जो एनर्जीज हैं, जो पावर्स हैं, वो अब स्ट्रेच करने लगी है, उसी तरीके से जिस तरीके से यंग बर्ड्स सर्गर्मियों के दिनों में खुद के पंखों को, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, अपने पंखों को तन्नाते हैं, क्या ट्राई, क्या करने के लिए, आलस को बाहर निकालने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए कि भाई हम कितनी शक्ति है, हम कितना जोर से उड़ पाएंगे। तो उसी के लिए बोल रहा है कि अब मुझे नजर आने लग गया बच्चों कि तुम्हारे दिमाग की जो एनर्जीज है, जो पावर्स हैं, अब वो तैयार होने लग गई हैं अपनी शक्ति को आजमाने के लिए, अपने विंग्स को फैला के उड़ने के लिए। तुम्हारे दिमाग की वो शक्तियां अब रेडी हो रही हैं। तो यहां सिंबली इस्तेमाल हुई थी कि उनके माइंड की पावर्स को कंपेयर किया गया है यंग बर्ड्स से, जो कि गर्मियों के दिनों में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां भी क्या है, सिंबली है, ठीक है, तुलना की गई है लाइक यंग बर्ड्स उनकी जैसे। तो बात समझ में आ गई, क्यों बोल रहा है, अब तुम्हारा माइंड उड़ने को रेडी है, अब उसकी वो शक्तियां, जिस तरह से एक पक्षी उड़ने के लिए रेडी होता है सुबह सुबह, या फिर यंग बर्ड जो पहली बार उड़ान भर रहा है, मान लो उसको एग्जांपल, उसका एग्जांपल ले लो, जो पहली बार उड़ान भर रहा है, वो अपने पंखों को फैला के पहले टेस्ट करता है कि उड़ सकता हूँ कि नहीं, तन्ना के देखता है कि मेरे पंख सफिशियंटली पावरफुल है कि नहीं है, उड़ने के लायक है ही नहीं। उस तरीके सेम तरीके से जब पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, गर्मियों के मंथ की बात हो रही है उस वक्त, इतने सीन मतलब एक इमेज बनाने की कोशिश करी है राइटर ने, क्योंकि होता क्या है कि गर्मी सर्दियों के बाद में जब गर्मियां आती है ना, तो गर्मियों में सारे पक्षी वगैरह एक तरीके से अपने छुपे हुए स्थान, घोंसले वगैरह, उन सबसे बाहर आके एक तरीके से पहली बार वो दोबारा से उड़ान भरना स्टार्ट करते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं वो, जिस तरह से नए नए फूल खिलते हैं गर्मियों में, ये क्योंकि ये होता ही है अपने सर्दियों के बाद में, जब स्प्रिंग वसंत ऋतु आता है, वसंत ऋतु के बाद में फिर गर्मी आती है, तो उसमें फूल पत्तियां सब खिलना स्टार्ट होती हैं और सब जानवर भी जो सर्दियों में सो रहे थे वो भी जाग जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके, इसलिए एग्जाम्पल एक समर का दिया है, यंग बर्ड समर के टाइम में उड़ने की कोशिश करते हैं, तब अपने पंखों को टेस्ट करते हैं कि वो सफिशियंटली पावरफुल है कि नहीं है, उनमें उतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है। उसी तरीके से तुम्हारा दिमाग भी अब ये टेस्ट करने लग गया है, तुम्हारी पावर्स है ना वो भी अभी टेस्ट करने लग गई हैं, उनको इस समझ में आने लगा है कि चीजें बदल रही हैं सोसाइटी में, तो वो भी इसलिए वो मतलब उनके दिमाग को कंपेयर कर रहा है यंग बर्ड से, ठीक है। अब देखो आगे, ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन शेयर देयर इन्फ्लुएंस। अब देखो इन्होंने तीन चीज बोली यहाँ पे, ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज, पहली तो बोल रहे विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज, दूसरी चीज है फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज, है ना, और तीसरी चीज है अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि ओ हाउ, किस तरीके से विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों की हवाएं, परिस्थितियों की हवाएं, एक मेटाफरी है ये भी ये एक मेटाफरी है कि परिस्थितियों की हवा का मतलब होता है किस तरह से सिचुएशन बदल रही है, कि हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज, की परिस्थितियों की हवाएं अब किस तरीके से बहने लगी हैं, एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज, और जिस तरीके से सर्दियों के बाद में अप्रैल के महीने में पहली पहली ताजा बारिश होती है, जिसमें फूल पत्तियां खिलती हैं, उस ताजा अप्रैल की शावर किसकी, अर्ली नॉलेज की, यानी शुरुआती ज्ञान रूपी, शुरुआती अर्ली नॉलेज, शुरुआती ज्ञान रूपी अप्रैल की बारिश के समान, यानी ज्ञान रूपी अप्रैल की बारिश, जिस तरीके से अप्रैल की बारिश आती है तब फूल पत्तियां खिलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसी तरीके से जो शुरुआती ज्ञान मिलता है उससे दिमाग ओपन खिलना स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से समझ रहे हो ना, अप्रैल के महीने की बारिश से क्या होता है, फूल पत्तियां खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पहली ज्ञान मिलता है हमें, अर्ली नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज से हमारा दिमाग खिलना स्टार्ट हो जाता है, ये खुलना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। ये है फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज, यानी शुरुआती ज्ञान रूपी बारिश, कौन सी, अप्रैल की बारिश, वो भी ताजा ताजा। दो चीज हो गई, पहली तो परिस्थितियों की हवा, यानी बदलती हुई परिस्थितियां, चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। दूसरी, पहली पहली बार आपको ज्ञान की अनुभूति हो रही है, फर्स्ट टाइम आपको नई नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज की वजह से आपका माइंड ओपन हो रहा है, यानी उसको तुलना की गई है अप्रैल शावर से, ठीक है। और तीसरी चीज, अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन, क्या, अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन। तो देखो, नई नई धारणाएं,
अनगिनत प्रकार, अननंबर्ड, अनगिनत प्रकार की नई नई धारणाएं आती जा रही हैं अब समाज में। उस वक्त क्या था, सोसाइटी में बदलाव आ रहा था। ये वही टाइम है जो ये हेनरी एल डेरोजियो जो जी है ना, जिस टाइम पे 1809 से 1831 तक, इस पीरियड के दौरान सोसाइटी में बदलाव आना स्टार्ट हुआ था। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी हुई थी 1828 में, है ना। तो वो भी कोशिश कर रहे थे समाज में बदलाव लाने की, राजा राम मोहन रॉय जी, है ना। और भी कई तरह के ऐसी ऑर्गेनाइज संस्थाएं थी, वो बन बन रही थी, वो समाज में चेंजेस लाने की कोशिश करती, सुपरस्टिशन को तोड़ने की कोशिश करती, अंधविश्वास में, ताकि लोग अंधविश्वास से बाहर आए, अज्ञानता से बाहर आए, इन चीजों में, इन चीजों से बाहर आए और समझें कि क्या जरूरत है आज के समाज की, ठीक है। तो ये जो अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन, अनगिनत तरह की नए नए धारणाएं आ रही थी, नया नया ज्ञान मिल रहा था और परिस्थितियां भी बदल रही थी, ये तीनों चीजें मिला के क्या हो रहे हैं, शेयर्ड देयर इन्फ्लुएंस, उन्होंने एक तरीके से इनके ऊपर असर डाला है और बेसिकली जो पुरानी धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उनको खत्म कर रहे हैं ये चीजें। तो इसका ये पूरा पूरा एक मतलब ये कंटिन्यूएशन में ही है ये, कि उसने जैसे बोला कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज और जो पावर्स है ना, वो अब क्या है, खिंचने लगी हैं, उनमें एक तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहती हैं, उनको अब समझ में आ रहा है कि बदलाव का समय है। और इस वक्त संसार, इस वक्त सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में सर्कमस्टेंसेस की हवा चलने, नई सर्कमस्टेंसेस मतलब बदलते हुए परिस्थितियों की हवा चल रही है, प्लस अर्ली नॉलेज भी आ रही है नई नई तरह की लोगों के सामने, और नई नई धारणाएं भी उनको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन सब की वजह से पुरानी धारणाओं का असर कम हो गया, शेड देयर इन्फ्लुएंस, इनका असर बढ़ गया और उनका असर कम हो गया है, ठीक है। ये क्योंकि समाज में चेंजेस आ रहे थे। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस, और देखो, एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस, और तुम किस तरीके से सच की शक्ति, ओमनीपोटेंट मतलब मोस्ट पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान होता है, कि तुम किस तरीके से सच की शक्ति की पूजा करते हो और इन अंधविश्वास और अज्ञानता से छुटकारा पा सकते हो, उस पे मतलब वो एक तरीके से वो देख पा रहा है कि मुझे तुम सब में वो ये नजर आ रहा है इन बदलती परिस्थिति की वजह से तुम, और साथ में तुम्हें अब वो ज्ञान की अनुभूति होने लगी है, तुम वो चेंज फील कर सकते हो खुद के अंदर भी, कि अब तुम्हें सच की शक्ति की पूजा करनी होगी और इस अंधविश्वास और अज्ञानता से बाहर आना होगा, इनकी पूजा नहीं करनी है। वॉट ज्वाइंस रेन्स अपॉन मी वेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। अब देखो वो बोल रहे हैं कि वॉट ज्वाइंस, कितना आनंद महसूस होता है, वॉट ज्वाइंस रेन्स, एक तरह से देखो वो आनंद की बारिश की बात कर रहे हैं, इट्स ए मेटाफर, यानी बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति, ये भी मेटाफर है, कि मुझे कितनी गजब की अपॉन मी, मेरे अंदर आनंद की बारिश हो रही है, मेरे अंदर आनंद की बारिश होती है जब, वेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, जब मैं भविष्य के कांच में, भविष्य के मिरर में तुम लोगों की प्रसिद्धि को देखता हूं। वेन आई सी फेम, फेम प्रसिद्धि, मैं तुम बच्चों की प्रसिद्धि को भविष्य के कांच में देख सकता हूं, क्योंकि मुझे तुम में वो बदलाव नजर आ रहा है, इन बदलती परिस्थितियों में मुझे तुम्हारा दिमाग खुलता हुआ नजर आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में को जिस स्पेल ने, जिस असर ने, जिस जादू टोने ने बांध रखा था, वो सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, अब टूटती हुई मुझे नजर आ रही है, ढीली होती हुई मुझे नजर आ रही है, और ये सब देखते हुए मैं तुम्हारे भविष्य को देख सकता हूं, मैं तुम्हारे फ्यूचरिटी के मिरर में, मुझे तुम्हारे भविष्य के मिरर में तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है, और उस सब, उस भविष्य को देख के मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर आनंद की बारिश हो रही है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर कितनी गजब की आनंद की बारिश हो रही है, जब मैं तुम लोगों का भविष्य देख पा रहा हूं, तुम्हें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी भविष्य में, व्हेन आई सी फेम, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि को देख पा रहा हूं भविष्य के मिरर के अंदर, तो मुझे बहुत गजब की आनंद की अनुभूति हो रही है। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली मतलब जॉय थिंकिंग अबाउट द फेम ऑफ योर फ्यूचर, है ना। तो मैं तुम्हारे भविष्य के फ्यूचर के बारे में सोच के, भविष्य के फ्यूचर के बारे में, सॉरी, मैं तुम्हारे भविष्य की प्रसिद्धि के बारे में सोच के मुझे बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, आह देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। और देखो वीविंग द चैपलेट्स, चैपलेट्स होती है माला, फूलों की माला, कि मैं फूलों की माला बुनते हुए मुझे ये पता है, यू हैव येट टू गेन, मतलब वो फूलों की माला मैं बुन रहा हूं, क्योंकि ये ज्ञान दे रहा है, ये टीचर है ना। तो ये बोल रहा है कि वो जो फूलों की माला जो तुम्हें प्राप्त होगी भविष्य में, उसको बुनते हुए मुझे ये बात तो पता चल गई है कि आह देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि भैया मैं, मेरा जीना व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब
मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे सिखाए रास्ते पे तुम चलोगे और तुम्हें भविष्य में बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत फेम मिलेगी। मैं तुम्हारा भविष्य कांच में देख सकता हूँ, भविष्य के कांच में देख सकता हूँ कि तुम्हें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी और तुम्हें बहुत ज्यादा, देखो माला बनने का मतलब ये कि उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, उन्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे किसी कोई जब सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, तो उसे माला फैला के स्वागत करते हैं ना, उसी तरीके से वीविंग द चैपलेट्स जो है ना लाइन, इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारे एक तरफ भविष्य की जो माला है तुम्हें पहनाई जाएंगी, मैं उनको भी बुन रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ सोच के कि भविष्य में तुम्हें पहनाई जाएंगी, तुम्हें मिलेंगी, ये यू हैव येट टू गेन, ये तुम्हें अभी प्राप्त करनी है भविष्य में। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरे प्रयास बेकार नहीं जाएंगे, देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मुझे पता चल जाएगा, मुझे मतलब बड़ा ही महसूस होता है कि मेरा जीना बेकार नहीं जा रहा है, मैं जो तुम्हें सिखा के जा रहा हूँ वो काम आएगा, तुम्हें भविष्य में बहुत कामयाबी मिलेगी। तो ये थी अपनी पोयम। तो बच्चों देखो, बेसिकली ये एक ऐसी पोयम है जो वो इंडियन सोसाइटी के, खासतौर पर उन बच्चों को जो उनके अंडर में पढ़ते थे, उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ये सोसाइटी में अब बदलाव स्टार्ट हो गया है और इस सोसाइटी में अब सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस जैसी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और ओपन माइंड से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। हम सबको आजादी होनी चाहिए, है ना, हम सब में बेसिकली बराबर, हम सब एक दूसरे को बराबर समझे, इक्वल समझे, कोई भेदभाव ना हो, कोई जैसे छुआछूत नाम का जो चीज होती है ना, अनटचेबिलिटी वगैरह, ये ना हो, हर तरीके से हम सबको बराबर मौका मिले, महिलाओं को मौका मिले, सबको बराबर पढ़ने का मौका मिले, सबको मतलब काम धंधे करने का मौका मिले, सब चीजों में समानता होनी चाहिए, सभी में बराबर मौका मिलना चाहिए। वो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे कि अब ऐसा समाज स्टार्ट होने वाला है और उस समाज में बच्चों तुम बहुत कंट्रीब्यूट करोगे। तो उनको मैसेज दे रहा था एक तरीके से कि भाई ये बदलते समय में मुझे तुम्हारे अंदर वो बदलाव नजर आ रहा है। तो ये भी एक पेट्रियोटिक पोएम ही मान सकते हो कि वो उस वक्त इंडियन सोसाइटी में चेंजेस देख रहे थे और वो चाहते थे वो चेंजेस हों, तो वो अपने बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपनी पोएम होगी टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। इसकी में जो बचे हुए, मैंने कुछ फिगर ऑफ स्पीच छोड़ दिए होंगे, वो सब मैं बेसिकली जब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाऊंगा ना उसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।